वो लोग गैस सिलेंडर से खाना मतलब इजी खाना पका सके, इसलिए हम गैस सिलेंडर फ्री देंगे बोल के एक एजेंडा रखे थे। क्या हुआ आपका वो एजेंडा? अब रोजी रोटी का जो कमा के खाने वाले लोग हैं उन लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं? पूरे स्टेट में अभी जो इलेक्शन का टाइम आ रहा है, ये लोग बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टर्स निकाल रहे हैं, बहुत बड़े रैली निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर चीज इतना ज्यादा दाम देकर खरीदना पड़ रहा है। ये सीधा पैसा क्या है, वो तेल कंपनियों को जाता है और कॉर्पोरेट कंपनियों को जाता है, अदानी अंबानी को जाता है। आज सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया SUCA कम्युनिस्ट पार्टी के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से ये जो सिलेंडर गैस का जो दाम बढ़ाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ऑफ द सडन, इसको क्या है जो घर के लिए इस्तेमाल करते हैं 50 रुपये ज़्यादा किया और जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते 350 रुपये ज़्यादा किया, ऐसा करके लोगों के ऊपर और एक झटका दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट। आप सोचते होंगे कि इलेक्शन के टाइम पर ऐसे जो महंगाई करने वाला जो काम है BJP का, ये सिर फिराव काम है, जो कम्प्लीटली एंटी पीपल्स स्टैंड है ये। देखिए, एक डेमोक्रेसी में कुछ भी ऐसा चीज़ बचा नहीं है कि लोगों को ऐसा फैसिलिटी दे सके, हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करते करते हुए अभी सिलेंडर गैस, अभी देखिए इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ, जो गैस का मतलब क्रूड ऑयल का क्या है प्राइस पर बैरल को कम है, बहुत सस्ता दाम में इंडिया परचेस कर रही है। आज हमारे इंडिया में जो सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर चीज़ इतना ज़्यादा दाम देकर खरीदना पड़ रहा है। ये सीधा पैसा क्या है, वो तेल कंपनियों को जाता है और कॉर्पोरेट कंपनियों को जाता है, अदानी अंबानी को जाता है। आज हमारे इंडिया में अमीर कौन हो रहे हैं? ये कैपिटलिस्ट हो रहे हैं और पूंजीपति लोग हो रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या है, सभी पैसा जो जनता से कलेक्ट कर रही है वो पैसा सभी डाइवर्ट करके ऐसे अमीरों को बांट रही है। ये स्टैंड को हमारे पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमेटी वेरी स्ट्रांगली हम लोग कंडम करते हैं। ये हमारे पार्टी के ऑल इंडिया कमेटी की तरफ से सभी तरफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खास करके मिडिल क्लास के पीपल्स, लोअर मिडिल क्लास के पीपल्स रोड के ऊपर आए, सरकार के जो मनमानी है उसको रोकने के लिए एक जबरदस्त डेमोक्रेटिक आंदोलन को बढ़ाने के लिए हम लोग कॉल देते हैं। SUCA कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से महेश SP। आज हम SUCA कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ये जो LPG का दाम अभी 6 बार ये लोग ज़्यादा करें, इसके खिलाफ हम लोग आज आवाज़ उठा रहे हैं। पूरे स्टेट में अभी जो इलेक्शन का टाइम आ रहा है, ये लोग बहुत सारे बड़े बड़े पोस्टर्स निकाल रहे हैं, बहुत बड़े रैली निकाल रहे हैं, लेकिन जो आम जनता की जो मतलब रोजी का ये दिन है, गैस सिलेंडर का दाम है वो बढ़ाते हुए एक भी पार्टी बात नहीं कर रहे हैं। हम SUCA कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक ये मांग रख रहे हैं कि आप लोग जो इलेक्शन प्रचार के लिए जो पैसा खर्च कर रहे हैं, इलेक्शन प्रचार के लिए आप जो पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, इस पॉलिसी में जो रोजी रोटी का जो कमा के खाने वाले लोग हैं उन लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं? अरे 1000 से ज़्यादा आप लोग सिलेंडर का रेट कर दिए तो लोगों का ये एक महीने का सैलरी भी 1000 नहीं है, तो आप 1000 का सिलेंडर कहाँ से खरीदेंगे? आप BJP का एक नया रूल्स था कि जो विलेजेस में लेडीज है वो लोग गैस सिलेंडर से खाना मतलब इजी खाना पका सके, इसलिए हम गैस सिलेंडर फ्री देंगे बोल के एक एजेंडा रखे थे। क्या हुआ आपका वो एजेंडा? अभी जो सब्सिडी देते बोल के बोले वो भी सब्सिडी भी नहीं दे रहे। इस जितने भी ये महंगाइयाँ हैं इसको जल्द से जल्द कम करना चाहिए। अगर ये गैस सिलेंडर रेट कम नहीं हुआ, इससे बड़ा प्रोटेस्ट हम SUCA कम्युनिस्ट पार्टी से ओर से करेंगे बोल के हम लोग चेतावनी दे रहे। आगे जो भी प्रोटेस्ट होगा इसका पूरा जिम्मेदार गवर्नमेंट ही ठहराएंगे बोल के हम इस दौरान बोलना चाह रहे हैं। स्नेहा कट्टीमणि SUCA।